हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं सिंपल सूट की स्टिचिंग बताऊंगी। इस सूट की कटिंग मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कर दी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैंने पहले से ही बकरम के दोनों गले की कटिंग कर ली है इस तरीके से। ये मेरे सूट का फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट के मैंने एकदम सेंटर पे मार्क किया है और इसी तरीके मैंने इसके गले पे भी एकदम सेंटर पे ही मार्क किया है। और इसको हम इस तरीके से रख देंगे और इस पर एकदम सीधी सिलाई लगा देंगे। सीधी सिलाई इसलिए लगाएंगे कि हमारा ये गला इधर उधर जाए ना या भागे ना। इसी तरीके से हम अपने दोनों पल्लों में कर लेंगे। अब हम यहाँ से सीधी सिलाई लगा देंगे। सीधी सिलाई लगाने से ये होता है कि गला हमारा एकदम बैठ जाता है। ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी है और कितने अच्छे से हमारा गला बैठ गया है। अब हम बकरम से टच करते हुए बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमें इस तरीके से बकरम से टच करते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी हुई है और साइड में भी हमने सिलाई लगाई हुई है बिल्कुल बकरम से टच करते हुए। हमने दोनों गले में उसी तरीके से सिलाई लगा दी हुई है। अब हमें गले की कटिंग करनी है। कटिंग हम बकरम से आधे इंच छोड़कर करेंगे। आधा इंच दूरी से करना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। जो हमने पहले सेंटर में सिलाई लगाई थी अब हम उसको निकाल देंगे इस तरीके से। कटिंग के बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ध्यान दें कि सिलाई ना कटे, हम इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। सिलाई ना कटे, हम इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ये कट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम अपने गले को फोल्ड करें तो वो अंदर की तरफ झोल ना आए। इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसको प्रेस कर देना चाहिए। प्रेस करने से ये होता है कि इसमें बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हो हमने अपना दोनों गला उसी तरीके से बना लिया है। हम इसको भी अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारा दोनों गला बन के तैयार है। गले में हम 5 नंबर की सिलाई लगा देंगे क्योंकि गला हमें तुरपाई वाला बनाना है, तो हम इसमें इस तरीके से 5 नंबर की सिलाई लगा देंगे। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। हम इस तरीके से इसको रख देंगे। हम इसे एकदम बराबर रखेंगे और सिलाई एकदम सीधी चलाएंगे। इस तरीके से अब हम दोनों साइड शोल्डर को जोड़ देंगे। सिलाई हम एकदम सीधी चलाएंगे।
दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा दी है, ये देखिए। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे इस तरीके से। इसमें इस बात का ध्यान देना है कि जो हम स्लीव्स अटैच करेंगे वो बिल्कुल सेंटर से करेंगे और सेंटर से ही सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें सेंटर से सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से हम सेंटर से सिलाई लगा देंगे और हम इसी तरीके दोनों स्लीव्स को जोड़ देंगे। ये देखिए हमारी स्लीव जुड़ चुकी है। हमने दूसरी भी स्लीव जोड़ ली है। यहाँ साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ये हमारा कटिंग में जो हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं वो है। इसको हम कैंची से कट करके निकाल देंगे। अब हम दोनों स्लीव्स को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब हम कुर्ते की फिटिंग कर देंगे। फिटिंग हम स्लीव्स से करते हैं। इस तरीके से हम कुर्ते की फिटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगाते जाना है। यह देखिए जहाँ तक हमने अपनी फिटिंग की सिलाई लाई हुई है वहाँ से हम चौक बना लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसकी सिलाई कर देंगे हम। इसी तरीके से हम दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।